ललन जी आप भूल जाते हैं कि आप तो एक बार भी MLA का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं दिखा पाए, और आप तो 3 बार MP बने तो BJP की कृपा से बने। अगर BJP नहीं होती तो आप MP नहीं बन पाते। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके मात्र 43 विधायक हैं, और अमित शाह उस पार्टी के अध्यक्ष रहे जिसके पास 1300 से ज़्यादा विधायक हैं। तो छोटी मुंह बड़ी बात मत कीजिए। ललन जी आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लालू परिवार के खिलाफ जितने सबूत जितने दस्तावेज हैं वो सारे के सारे आपने CBI को उपलब्ध कराए। महागठबंधन के नेताओं को लग रहा था कि अमित शाह सीमांचल के अपने दौरे में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने वाली बातें बोलेंगे, लेकिन इन लोगों को घोर निराशा हुई जब पूरे आधे घंटे के भाषण में अमित शाह ने एक बार भी न हिंदू का नाम लिया न मुसलमान का नाम लिया। और इसी से बौखला कर जनता दल यू के नेता अमित शाह पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। ललन जी आप भूल जाते हैं कि आप तो एक बार भी MLA का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं दिखा पाए, और अमित शाह 5 बार के MLA हैं, और एक बार तो चुनाव में 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वो 5.5 लाख वोटों से जीते हैं, और आप तो 3 बार MP बने तो BJP की कृपा से बने। अगर BJP नहीं होती तो आप MP नहीं बन पाते। और 2014 में जब आप अकेले चुनाव लड़े तब 1 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके मात्र 43 विधायक हैं, और अमित शाह उस पार्टी के अध्यक्ष रहे जिसके पास 1300 से ज़्यादा विधायक हैं। तो आप किससे तुलना कर रहे हैं, किससे अपनी तुलना कर रहे हैं? आप तो आंदोलन में कहीं दूर दूर तक कभी आप दिखाई नहीं पड़ते थे। कौन ललन सिंह है? मैंने तो आपका पहली बार 95 में नाम सुना। तो छोटी मुंह बड़ी बात मत कीजिए। और अमित शाह देश के कम उम्र के गृह मंत्री हैं, और उन पर जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं यह आपके मुँह से शोभा नहीं देता। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि गठबंधन को तोड़ने के लिए BJP ने तेजस्वी यादव पर IRCTC से घोटाले का मुकदमा दर्ज करा दिया। ललन जी आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लालू परिवार के खिलाफ जितने सबूत जितने दस्तावेज हैं वो सारे के सारे आपने CBI को उपलब्ध कराए? क्या लालू यादव ये इस बात को नहीं जानते? पटना हाईकोर्ट में कौन गया था और CBI के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर पल पल की मॉनिटरिंग आप कर रहे थे? आप बदल सकते हैं लेकिन CBI नहीं बदल सकती है। और आप भूल गए कि राबड़ी देवी ने आपके और नीतीश जी के संबंधों को लेकर क्या टिप्पणी की थी कि अपने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी? ललन जी आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। आप जनता दल यू छोड़कर चले गए थे बाहर और अपने नीतीश जी के बारे में क्या कहा? तानाशाह हैं या कोई लोकतंत्र नहीं है, अपने मनमानी निर्णय लेते हैं, ये आपका बयान था। आपने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश जी के पेट में कहाँ कहाँ दांत है वो मैं ही जानता हूँ, मैं वो सर्जन हूँ जो उन दांतों को निकालना जानता हूँ। ललन जी आपका वही हसरा होगा जनता दल यू में जो जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ, जो शरद यादव का हुआ, जो RCP सिंह का हुआ, वही हसरा आपका जनता दल यू में होने वाला है। इसलिए सोच समझ कर बयान दीजिए। देश के गृह मंत्री पर ओछी और अपमानजनक टिप्पणी करने से आपका कद समाज के अंदर बड़ा नहीं हो जाएगा।